एजुकेशन एंड योगा, उसकी आंसर की ले आया हूँ मैं। ठीक है, ये जो सेट है ये वाला, यहाँ पर इसका फर्स्ट पेज रह गया, ये सेट आपका बी सेट है, यहाँ पर लिखा है ये सेट बी है, जो आपका था पेपर कोड आपका 0480101 है, और 2024 का पेपर है जो कि माँ शाकुंभरी का पेपर है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ द मेन बेस ऑफ ज्ञान योगा? ज्ञान योगा का जो बेस होता है वो आपका नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज मतलब ज्ञान। दूसरे क्वेश्चन पे पूछते हैं, 2 सेकंड रुकिए, क्या हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे पूछते हैं, व्हेन वाज कुजनू कमेटी फॉर्म्ड? कुजनू कमेटी कब बनी थी? 1959 में बनी थी। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आंसर की अकॉर्डिंग समझाऊंगा, मतलब कि आंसर दूंगा मैं आपको यहाँ पर सारे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उतना ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको आंसर ही सीधा सीधा मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो किस कभी और डाल देंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर डी है, ऑप्शन डी थर्ड का। आगे चलते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर, आपका फोर्थ वाले का आंसर 1960 है, क्वेश्चन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपका ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बी है, 1958। उसके बाद सातवें क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1950 है। उसके बाद व्हाट इज़ द हैपन ऑफ योगा दिस डेज, तो इसका आंसर आपका ओल आ जाएगा, एट्थ का। ये सेट बी है। ठीक है, जो भी बच्चों ने किया होगा वो आप अकॉर्डिंग अपने देख लेना। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स की जो फॉर्म्ड हुआ था वो 1954 में हुआ था। विद द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, दोनों ही टाइप है लाइफ स्टाइल के। अष्टांग योग के जो है ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि। मीनिंग ऑफ योगा, योगा का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? ऐड, जोड़ना। व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? वे टू लाइफ, मतलब कैसे जीते हैं। 14 क्वेश्चन, क्या व्हाट इज द टाइप ऑफ फिटनेस? फिटनेस बहुत होगा ये, फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ होती है। 15 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, एट्थ कंपोनेंट होते हैं उसमें अष्टांग योगा में। इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल को क्या इफेक्ट करेगा ये ऑल चीज़ें, मतलब कि ऑल डी। 17 क्वेश्चन में स्पीड हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, नॉट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर हम 18 पे पहुंच गए। 18 का जो है वो एंगर है, निगेटिविटी पूछी है उसने। 19 का जो है वो योगा है। ठीक है, 20 का जो है वो आसन है, फ्लेक्सिबिली बॉडी को जो बनाता है। पॉजिटिविटी पूछी है तो यह टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ऊपर वाले के तीन तो निगेटिव हैं तीनों चीज़ें। स्पोर्ट कहाँ पहुँच गए? स्पोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया ये आपका 1984 है इसका। आसन डन, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑल आ जाएगा इसमें। 24 में आपका लास्ट आ जाएगा डी, एजुकेशन थॉट फिजिकल। उसके बाद 25 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, 26 पर आ गए हम। 26 जो क्वेश्चन है उसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा आफ्टर एडिटिंग। कहाँ चले गए जी? रहा आफ्टर एडिटिंग। विच ऑफ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, आपका ये ऑल आ जाएगा इसमें 27 में। 28 में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, काफ़ी पूछा जा सकता है, यूज होता है इसका यूज। विद अ फैक्टर ऑफ फिटनेस, फिटनेस का फैक्टर पावर, इसका आंसर पावर हो जाएगा। उसके बाद 30 पर आ गए हम। 30 पर आपका अष्टांग योग। उसके बाद आपका इसमें टाइड में ओल आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है ब्रजासन आ जाएगा इसमें 32 में। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका टू ब्रेथ आ जाएगा, प्राणायाम।
34 पर आ गए हम। 34 का जो पूछ रहा है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्ट, ये आपके ऑल हो जाएंगे सभी के सभी। 35 का आंसर बी हो जाएगा सही, और 36 का आंसर आपका ए अष्टांग योग। अष्टांग योग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अष्टांग योग को बहुत अच्छे से पढ़ जाना जो भी बच्चों के आने वाले पेपर हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हैज़ टू फिजिकल डेवलपमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1957 में। उसके बाद ये परसेंटेज वेट का, ये 25 होता है, 25% और 30% होता है, मतलब कि जैसे फीमेल्स में शायद 30% है और मेल्स में 25% है, तो उस हिसाब से इसका आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है 40 क्वेश्चन में, जो आपका 40 क्वेश्चन है वो भक्ति योग। फिर आगे फिजिकल डेवलपमेंट, इसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा 40 का, 41 का। 42 पर, 42 का आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्पोर्ट्स आर फिजिकल एजुकेशन। एनईपी के क्वेश्चन पूछे गए थे ये एनईपी वाले, एनईपी में जो वन ईयर होता है, वन ईयर वाला आपका सर्टिफिकेट होता है, टू ईयर डिप्लोमा और थ्री ईयर का डिग्री, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। व्हाट इज हैपन इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में सभी चीज़, मतलब ये तीनों चीज़ें आएंगी। 45 की बात कर लेते हैं, ये पीछे क्वेश्चन आया ही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे फाउंड पूछा गया था कब फाउंड हुआ है, और यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली गई। 46 में अनुराग सिंह, ये तो सभी को पता ही होगा, ये बहुत एक्टिव रहते हैं। टू ईयर मैंने अभी बताया, एक ईयर सर्टिफिकेट, टू ईयर डिप्लोमा और थ्री ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है। 48, दो सेकंड रुकिए मैं चार्जर लगा लूँ, इसमें डाउन हो गया। आइए चलते हैं, कहाँ थे हम थे 47 पर। 48 का मेंटल डेवलपमेंट आ जाएगा। 49 में योगा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा 21 जून को अभी अभी गया है, कॉलेज में भी प्रोग्राम था, नेशनल योगा डे। उसके बाद 51 का फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ से पूछा है, हेल्थ से कौन रिलेटेड है। उसके बाद 52 ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद पूछ रहा है ऑल मोटापे के कारण पूछ रहा है, सारे मोटापे के कारण ही है। फुल फॉर्म ऑफ एनईपी आपको पता ही है, एनईपी में आप पढ़ रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इफेक्ट ऑफ फिटनेस, फिटनेस पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये सभी चीज़ इफेक्ट डालेगा। कौन मोटा नहीं हो सकता, तो ये सभी मोटे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप योग कर रहे हो तो भी मोटे नहीं हो पाओगे। 57 पर आ गए हम, 57 का भी ऑल हो जाएगा आंसर, मोटापे का कौन सा रोग पूछ रहा था। एनईपी में थ्री ईयर मैंने बताया था, थ्री ईयर कौन सा हो जाएगा, ग्रेजुएशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद 59 में ड्रिंक हॉट वाटर, ठीक है। उसके बाद इस वाले का आपका हो जाएगा फोर ऑल राउंड मैनेजमेंट, 60 वाले का। 61 का आपका हो जाएगा ऑल फिजिकल एजुकेशन पूछ रहा है, क्या करा है, फोर ईयर होता है ग्रेजुएट डिग्री विद रिसर्च, ठीक है। फोर ईयर में व्हाट नेगेटिविटी इफेक्ट द फिटनेस, क्या नेगेटिविटी इफेक्ट करती है फिटनेस में, तो लास्ट क्या आपकी चिंता व अवसाद। 64th क्वेश्चन में जो आपका है लास्ट वाला, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं लग रहा। 65 में 21% हो जाएगा, 21% अगर वेट गेन हो। 66 में देखते हैं, 66 में क्या पूछा है, 66 का बोथ हो जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। तो ये कौन सा है, सुबह उठ के जल्दी पानी पीना, एक गिलास पानी पीना, ये एक पुरानी प्रवृत्ति है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ योगा, व्हाट इज द मेन बेस ऑफ
कर्म योगा, कर्म योग, तो इसका ओल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया योगा के लिए भक्ति 71 का जो आपका हो जाएगा, कहाँ चला गया, ये रहा 71 का जो आपका हो जाएगा वो आपका भक्ति करना हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो आसन होता है, आप सभी को पता होगा। मोटापे का असली कारण आपका वंशानुपात होता है। इसका 74 का आंसर बी हो जाएगा, पूरक रेचक कुंभक। अगला देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन और इसमें कोई भी आंसर मुझको सही नहीं दिख रहा है लास्ट वाले में। ठीक है, उसने पूछा है मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है, शोध, शिक्षण कार्य, उपचार विधि, सभी। मुझे इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये वाले का आंसर आपको सब जो नंबर होंगे वो सबको मिल जाएंगे। ये हमारा पेपर था बीए फोर्थ सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन, या जिसे हम कहते हैं को करिकुलर का पेपर का। ठीक है, तो ये आपके आंसर की हो गई, जिन जिन बच्चों को जरूरत थी, बच्चे कह रहे थे कि सर भेज दो, तो वो सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कल को मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें एक और आंसर की लाएंगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।